16 जुलाई इतिहास में अपना एक अलग ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जहां किसी देश ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया, तो वहीं किसी ने विश्व कीर्तिमान रच दिया, तो वहीं कुछ महान शख्सियतों का जन्म हुआ। स्वीडिश बैंक ने 1661 में यूरोप में अपना पहला नोट जारी किया, तो वहीं अमेरिकी कांग्रेस ने 1790 में कोलंबिया की स्थापना की, तो वहीं भारत में हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को 1856 में कानूनी मान्यता मिली, और नेशनल जियोग्राफिक चैनल ने 1926 को पहली बार समुद्र के भीतर की दृश्यों को प्राकृतिक रंगीन फोटो निकाली, तो वहीं अमेरिका ने अपना पहला परमाणु बम का परीक्षण 1945 में किया, और इसी तर्ज पर भारत ने भी अपना पहला परमाणु बम का सफल परीक्षण 1981 में संपन्न किया, और अमेरिका का अपोलो 11 यान 1969 में चांद पर पहुंचा। तो वहीं नेपाल ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की, और यूक्रेन ने 1990 में स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया। तो वहीं बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद को 2007 में 16 जुलाई के दिन मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया गया। भारतीय हॉकी के कप्तान धनराज पिल्ले का जन्म 16 जुलाई 1968 में ही हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के योगदान देने वाली अरुणा आसफ अली का जन्म 16 जुलाई 1917 में हुआ। तो वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ का जन्म 16 जुलाई 1984 में हुआ।